हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आपके बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको टाटा हिटाची एटी और हुंडई एटी दोनों का कंपेयर करके बताने वाला हूं कि दोनों में से कौन सा मशीन ज़्यादा बेस्ट है। इसलिए वीडियो के साथ में तक जरूर बने रहे। वीडियो अच्छी लगती लाइक कर दोगे और चैनल पर नया हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टाटा हिटाची एटी एक्सपेक्टर के बारे में जानते हैं। तो इसका इंजन पावर 55 HP 2000 RPM 4 सिलेंडर के साथ और इसकी स्विंग स्पीड 10.4 RPM, यानी कि ये मशीन एक मिनट में 10 से 11 बार पूरा स्विंग कर सकता है। और इस मशीन का ट्रेवल स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि एक घंटे में ये मशीन 5 किलोमीटर तक जाएगा। और इसका जो डीजल टैंक है वो 135 लीटर का है और इसमें इंजन ऑयल आपको 10 लीटर लग जाता है। और इसकी जो ट्रैक शू का चौड़ाई है वो 450 mm है और इसमें टोटल ट्रैक शू एक साइड में 38 लगे हुए हैं। और इसका जो बकेट कैपेसिटी है 0.30 M3 का बकेट है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस 360 mm है। इसका ऑपरेटिंग वेट 7650 kg है। तो ये था कुछ इसका बेसिक जानकारी। अब इससे हम इसका कंपेयर करेंगे। अब इसका देखते हैं। इसका इंजन पावर 76 HP 2200 RPM 4 सिलेंडर के साथ है और इसकी स्विंग स्पीड 12 RPM है, यानी कि ये मशीन एक मिनट में पूरा 12 बार स्विंग कर सकता है, यानी कि टाटा से स्विंग स्पीड हुंडई का ज्यादा है। और इसका ट्रेवल स्पीड हाई में 4.8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ये मशीन एक घंटा में 4 से 5 किलोमीटर तक जाएगा और ये भी उतना ही जाएगा। इसका डीजल टैंक 132 लीटर का है, यानी कि टाटा हिटाची से कम है इसका डीजल कैपेसिटी। और इसमें इंजन 11 लीटर लगता है, इसमें 10 लीटर लगता है और इसमें 11 लीटर लगता है। और इसकी जो ट्रैक शू की चौड़ाई है वो भी 450 mm है, यानी कि दोनों का भी सेम है। ट्रैक शू इसमें भी एक साइड में 38 लगे हुए हैं, यानी कि दोनों में भी सेम है। और इसमें जो बकेट है 0.32 M3 का बकेट है, यानी कि इसका बकेट से बड़ा इसका बकेट है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 360 mm है, यानी कि दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस सेम है। ऑपरेटिंग वेट इसका 7800 kg है, यानी कि यहाँ पे इसका ऑपरेटिंग वेट कम है और इसका ज्यादा है। तो ये था दोनों का कुछ बेसिक जानकारी जिससे मैं आपको कंपेयर करके बताया। तो इसका नतीजा यही निकलता है कि इंजन पावर के मुकाबले में हुंडई का ज्यादा है और टाटा का कम है। बाकी दोनों अपने काम के हिसाब से, दोनों प्राइस के हिसाब से दोनों अच्छा ही है। आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, दोनों अच्छा है। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।